हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है टेक्नो मोमेंट में। गाइस इस वीडियो में गाइस हम बात करने वाले हैं दोस्तों, बहुत सारे दिनों से मुझे जो एक कमेंट बहुत लोग कर रहे हैं कि यार भाई हम क्या रियलमी U1 ले या हम Asus का Zenfone Max Pro M2 का थोड़ा सा वेट कर ले, क्योंकि वो भी 11 तारीख को इंडिया के अंदर लॉन्च हो रहा है और इसकी जो सेल है MIUI U1 की वो 5 दिसंबर को देखने मिलती है, जो दो वेरियंट के साथ आता है, जो उसका 4 GB रैम और 64 GB 14,500 रुपये में मिलता है। तो मुझे बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि क्या वेट करें, तो पूरा वीडियो देखेगा मैं आप लोगों को बता दूंगा कि वेट करना है नहीं करना है, करना है कौन सी कंपनी आपको ज्यादा प्रेफर करनी चाहिए। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, और मैं अनबायस्ड एकदम रिव्यू देने वाला हूं, तो पूरा देखिएगा, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइस वीडियो चालू करने से पहले आप देख रहे होगे कुछ नया हमारे चैनल पे, हाँ वो है यहाँ पे सब्सक्राइब नाउ, तो जल्दी से चैनल जो है सब्सक्राइब कर दीजिए जब तक लैपटॉप है वो, मैं सोचा ये कुछ किया जाए अब नया। तो चलिए मैं यहाँ पे सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ यार ये जो फोन है इनकी जो सेल मैं आप लोग बता दूँ, तो ये जो अपना रियलमी U1 है वो लॉन्च हो चुका है, जैसे कि आप लोग को पता है इसकी जो फर्स्ट सेल है वो 5 दिसंबर को है और मैंने उसके ऊपर कुछ टिप्स बताई है, तो आप जाके वो वाला वीडियो देख लीजिएगा कैसे लेना है। तो 5 दिसंबर को ये फोन जो है ये आप लोगों को सेल पे देखने मिल जाएगा, और जो Asus का Zenfone Max Pro M2 है वो आपको 11 दिसंबर को वो है जो लॉन्च होने वाला है, मतलब अनाउंस कर देंगे वो, मुझे लगता है उसकी सेल 20 तारीख तक अराउंड जाएगी, तो इट्स डेफिनेटली बहुत ही सही बात है। और आपको उसमें थोड़ा वेट करना पड़ रहा है मुझे पता है, बट यार वेट करना भी मुझे लगता है वाजिब है, मतलब एक सही काम कर रहे हो आप वेट करके जो कर रहे हैं, क्योंकि यार जब आपने देख लिया कि एक हफ्ते बाद आपको जब पता चला कितना अच्छा फोन आया इतनी अच्छी प्राइस में, तो आप बोलोगे कि आपने वेस्ट कर लिया अपना पैसा। तो चलिए गाइस यहाँ पे भी मैं सबसे पहले बात करता हूँ दोनों के बिल्ड एंड डिजाइन के बारे में, तो कैसा आप लोगों को मिलता है। देखो दोस्तों दोनों में आप लोगों को कोई भी मेटल बॉडी नहीं मिलता है, हाँ दोनों में आप लोगों को डिजाइन एकदम ग्लॉसी सा मिलता है, दोनों में पॉली कार्बोनेट की फील मिलती है, तो डिजाइन दोनों में नॉच मिलती है, एक में वाटर ड्रॉप मिलती है, एक आपको एकदम जो सिंपल नॉच मिलती है वो वाली नॉच मिल जाती है, बट दोनों के डिजाइन जो बहुत ही अच्छे हैं। मगर जो Asus का Zenfone Max M2 है उसमें आप लोगों को गोरिल्ला ग्लास का 6 कप प्रोटेक्शन मिलता है, जो और कोई भी कंपनी आप लोगों को 15,000 रुपए में नहीं देती है, जो Asus आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा है। तो आई थिंक डेफिनेटली जो Asus का डिस्प्ले होने वाला है इसमें बहुत ही अच्छा शार्प एंड बड़ा बोल सकते हैं और बहुत स्ट्रांग डिस्प्ले होता है। तो मैं बात करता हूँ इसके साइज के बारे में, तो 6.3 इंच का जो है फुल एचडी प्लस का जो है आपको रियलमी U1 का मिल जाता है, और यहाँ पे मेरे को जितना लग रहा है कि Asus का 6.2 इंच का फुल एचडी प्लस का डिस्प्ले मिलेगा। तो रेजोल्यूशन दोनों के सेम है, दोनों ब्राइट एंड अच्छे फोन है, बट आप लोगों को यहाँ पे गोरिल्ला ग्लास का 6 का प्रोटेक्शन यहाँ पे मिल जाता है, तो ये भी आपको एक बहुत बड़ी बात देखनी पड़ती है। इस बात करता हूँ यहाँ पे परफॉर्मेंस के बारे में, कौन सा फोन जो है ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा आपके लिए, तो यहाँ पे मैं गाइस आपको बता दूं यहाँ पे जो आप लोगों को रियलमी U1 मिलता है उसमें आप लोगों को MediaTek का PDU का P70 का प्रोसेसर मिल जाता है, एंड आप लोगों को जो अपना ये Asus का फोन मिलता है उसमें आप लोगों को स्नैपड्रैगन का 660 का प्रोसेसर मिलता है। तो आप लोग बोल रहे होगे कि कौन सा प्रोसेसर जो है वो अच्छा है, कौन सा हमें लेना चाहिए, तो देखिए यार मुझे जो लगता है स्टॉक एंड्रॉइड के साथ हमें मिल रहा है स्नैपड्रैगन 660, तो मुझे ज्यादा प्रेफर मैं उसे करूंगा, क्योंकि मुझे स्टॉक एंड्रॉइड फील बहुत पसंद है, कलर OS से ज्यादा अच्छा मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि ज्यादा अच्छा स्टॉक एंड्रॉइड है, तो आई थिंक डेफिनेटली मैं जो है वो स्टॉक एंड्रॉइड के ऊपर जाऊंगा। तो यही यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ कुछ बैटरी के बारे में, हाँ गई तो मैं बात बता देता हूँ आप लोगों को, रियलमी U1 में जो है वो आप लोगों को 3500 mAh की बैटरी देखने मिलने वाली है, बट उसमें आप लोगों को फास्ट चार्जिंग नहीं मिलेगा, हाँ गई फास्ट चार्जिंग इसमें आपको नहीं देखने मिलता, वही माइक्रो USB का केबल आप लोगों को मिलेगा। और मैं बात करता हूँ यार यहाँ पे अपना Asus का Zenfone Max Pro M2 के बारे में, जो 5000 mAh की बैटरी के साथ आएगा, जो मुझे लगा है बहुत सारे लोग के बात पसंद आएगी, क्योंकि रियलमी U1 की बैटरी जो है बहुत जल्दी ड्रेन हो जा रही है, बट इसकी जो बैटरी आई थिंक डेफिनेटली आप लोगों को 2 दिन तो आराम से आपका चल जाएगा, और इसमें 90% चांसेस भी है कि आपको इसमें फास्ट चार्जिंग भी मिल जाएगा, बट बोला जा रहा है कि इसमें माइक्रो USB ही इस बार भी देखा देखें, दोनों में तो आपको यही मिल जाता है। चलिए इस बात कर लेता हूं मैं यहाँ पे आपके कैमरा के बारे में, तो जैसे बात करता हूँ अपना जो रियलमी U1 का रियर कैमरा है वो इतना खास नहीं जैसे लोगों को पता ही है, 30 बोलूंगा यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा स्लाइडिंग आप बोल सकते हैं, थोड़ा आप लोगों को जो है Asus का Zenfone Max Pro M2 का रियर कैमरा ज्यादा अच्छा मिलेगा। और मैं आप लोगों को ये भी बता दूं इसमें आप लोगों को सोनी का IOMX का 486 का सेंसर देखने मिलने वाला है, जो F1.8 अपर्चर के साथ आएगा, जो आप लोगों को मिलने वाला है 12+5 मेगापिक्सल का बैक कैमरा, तो आई थिंक डेफिनेटली आपकी जो पोर्ट्रेट मोड बहुत ही अच्छे होने वाले हैं। मैं बोल सकता हूँ रियलमी U1 का रियर कैमरा बेटर है Asus का Zenfone Max Pro का रियर कैमरा। गाइस बात कर लेता हूँ सेल्फी कैमरा के बारे में, तो नो डाउट आप लोगों को रियलमी U1 का कैमरा जो है 25 मेगापिक्सल का सोनी IMX का, तो वो बहुत ही बढ़िया है, वो ही आपको मतलब ये मैं बोल सकता हूँ कोई भी 13 मेगापिक्सल का है Asus का वो बिल्कुल भी आपको वो नहीं कर सकता। मैं बोल सकता हूँ बजट सेगमेंट 15,000 रुपए में एक अच्छी सेल्फी वाला फोन, तो भैया रियलमी U1 से अलावा मैं और कोई बोल ही नहीं सकता, तो नो डाउट रियलमी U1 का सेल्फी कैमरा एक नेक्स्ट लेवल का है।
तो ऑल इन ऑल मैं आप लोगों को यही बोलना चाहूंगा कि यार गाइज, आप लोगों को जैसे पता होगा जो आप 5 दिसंबर को रियलमी U1 का जो सेल है, मगर यार मैं यही बोलूंगा कि भाई बस 6 दिन आपको और वेट करना है, सिर्फ 6 दिन। मुझे पता है जो हम लवर्स होते हैं मोबाइल के, वो 6 दिन भी वेट नहीं कर पाते, बट वेट कर लो गाइज, बहुत ही बढ़िया फोन आने वाला है एसुस का ज़ेनफोन मैक्स प्रो M2, क्योंकि मैंने खुद मतलब यार जो फोन मैं खुद वेट कर रहा हूँ। तो आप जरूर से पूरा वीडियो देखिएगा जब वो आएगा। तो बस दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मैंने आप लोगों को पूरा बता दिया कि एसुस का ज़ेनफोन मैक्स प्रो M2 के लिए वेट कर लो, सिर्फ 6 दिन, उससे ज्यादा है, 5 दिसंबर को सेल मिलती है। तो मैं आपको ये बोलूंगा जो 5 दिसंबर की सेल होगी उसमें कोई भी फोन बाय मत करना, गलती मत करना भाई, प्लीज थोड़ा वेट कर लो। और आपका टेक्नो अरमान तो है ही फिर आपको फोन रिकमेंड करने के लिए, तो मैं वही बोलूंगा कि प्लीज गाइज वेट कर लो, मैं फिर से बोल रहा हूँ। तो बस दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मैंने आप लोगों को बता दिया कि भाई आप लोगों को वेट करना है, 5 दिसंबर को कोई फोन नहीं लेना है, अब वो आपके ऊपर है। अब ओवरऑल आपको ज्यादा मतलब बस रियलमी U1 का जो स्पेक्स है वो एकदम आपके वो करते हैं, तो ठीक है फिर आप जाके ले सकते हैं। बट जिनको भाई एसुस का ज़ेनफोन मैक्स M1 अच्छा लगा तो प्लीज M2 के लिए वेट करिएगा गाइज। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को लीजिए सब्सक्राइब, हम आपके लिए ऐसे डेली वीडियो लाते रहेंगे। और यहाँ पे ये दिख रहा है आपको, ये नया हमने किया है, तो यहाँ पे ये जो को सब्सक्राइब नाउ, तो जल्दी आके सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बाय बाय।